हाय गाइस, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू सेशन ऑफ करंट अफेयर्स। आज की तारीख है 7 अप्रैल 2021। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनाकुलर फ्रंटियर IAS, और अगर अभी तक आपने इन चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं SSCGLPinnacle.com और BaljiDhaka.com, इन दोनों को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और ये सेशन दोनों चैनल्स पर सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है। साथ ही साथ फॉर डेली वीडियोस, PDF एंड मंथली मैगजीन, आप हमारे टेलीग्राम हैंडल्स फ्रंटियर IAS और SSCGLPinnacle ऑनलाइन को ज्वाइन जरूर करें। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। मैंने आपसे पहला क्वेश्चन पूछा था कि दिग्विजय सिंह जला, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे भारत के पहले डैश मंत्री थे, जिसका सही जवाब था पर्यावरण। और दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही जवाब था 7 अप्रैल। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन देखो आज के सेशन का। पीएम कुसुम योजना के तहत पहला कृषि आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। तो सबसे पहले कुसुम की फुल फॉर्म है किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान। तो हाल ही में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान योजना के अंतर्गत पहला कृषि आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र जयपुर राजस्थान जिले की कोटपुतली तहसील में स्थापित किया गया। इस संयंत्र से प्रत्येक वर्ष 17 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन होगा। 1 मेगावाट की परियोजना को कोटपुतली के भालोजी गांव में 3.50 एकड़ खेत पर स्थापित किया गया। नया संयंत्र राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड द्वारा चयनित 623 कृषि आधारित सौर ऊर्जा परियोजनाओं में से पहला है, जो योजना के पहले चरण के तहत राज्य में 722 मेगावाट क्षमता पैदा करने के लिए है। बजट 2020-21 के अंतर्गत सरकार योजना का विस्तार करते हुए 20 लाख किसानों को एकल सौर पंप यानी सिंगल सोलर पंप स्थापित करने हेतु सहायता प्रदान करेगी। इसके अलावा अन्य 15 लाख किसानों को उनके ग्रिड से जुड़े पंप सेट्स के सौरीकरण यानी सोलराइजेशन में मदद करेगी। यहाँ पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की बात करें तो देश में सौर पंपों और ग्रिड से जुड़े सौर और अन्य नवीकरणीय बिजली संयंत्रों यानी रिन्यूएबल पावर प्लांट्स की स्थापना के लिए किसानों के लिए पीएम कुसुम योजना शुरू की गई थी। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही जवाब था 30 मार्च। बात करें यहाँ पर राजस्थान की तो इसके डैम्स और रिवर्स में आता है जवाहर सागर चंबल, जसवंत सागर लूनी और राणा प्रताप सागर चंबल। नेशनल पार्क्स में आता है रणथंभौर नेशनल पार्क, सरिस्का टाइगर रिजर्व, कियोलादियो नेशनल पार्क और डेजर्ट नेशनल पार्क। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, गवर्नर है कलराज मिश्रा और चीफ मिनिस्टर है अशोक गहलोत। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है जयपुर सिटी और जंतर मंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अटल इनोवेशन मिशन एम के नए मिशन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर चिंतन वैष्णव। तो विख्यात सामाजिक तकनीकी विद सोशियो टेक्नोलॉजिस्ट डॉक्टर चिंतन वैष्णव को नीति आयोग के तत्वावधान में भारत सरकार की प्रमुख पहल अटल इनोवेशन मिशन एम के नए मिशन निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्हें तस्वीर में देख लीजिए। वह टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज द्वारा नीति आयोग में नियुक्त डॉक्टर रमनाथन रमनन से पदभार ग्रहण कर रहे हैं, जो जून 2017 से इसके पहले मिशन निदेशक के रूप में एम का नेतृत्व करते रहे थे। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो UIDAI के नए CEO बने हैं सौरभ गर्ग और AAI के चीफ बने हैं संजीव कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत की पहली महिला क्रिकेट कमेंटेटर कौन थी, जिनका हाल ही में निधन हो गया, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, चंद्रा नायडू। तो भारत की पहली महिला क्रिकेट कमेंटेटर चंद्रा नायडू का 88 वर्ष की उम्र में लंबी बीमारी से जूझने के बाद निधन हो गया। वह महान क्रिकेटर CK नायडू की बेटी थी, जो टेस्ट मैचों में भारतीय क्रिकेट टीम के पहले कप्तान थे, जिन्होंने 1932 में लॉर्ड्स में देश के क्रिकेट डेब्यू में टीम का नेतृत्व किया था। उन्होंने तस्वीर में देख लीजिए। अंग्रेजी में सेवानिवृत्त प्रोफेसर नायडू को 1970 के दशक में उनकी क्रिकेट टिप्पणियों के लिए सबसे ज्यादा याद किया जाता था। वह मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के लिए एक लाइफ टाइम सदस्य थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फार्म मिंग चिन किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, वियतनाम। तो फार्म मिंग चिन वियतनाम के नए प्रधानमंत्री बने हैं। पूर्व PM गुएन जुआन फुक को नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। उन्हें तस्वीर में देख लीजिए। 62 वर्षीय चिन इस वर्ष के प्रारंभ में कांग्रेस में सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा इस पद के लिए नामित एकमात्र उम्मीदवार थे। उन्होंने नेशनल असेंबली वोट में 96.25% वोट हासिल किए।
बात करें यहाँ पर वियतनाम की, तो इसकी कैपिटल है हनोई, करेंसी है वियतनामीज डोंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन रोग निगरानी मंच लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भारत। तो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने नई दिल्ली में वर्चुअल माध्यम से यानी इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म IHIP की शुरुआत की। यह मंच वर्तमान में इस्तेमाल किए जा रहे एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम यानी इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्लेटफॉर्म IDSP की अगली पीढ़ी का अत्यधिक परिष्कृत संस्करण यानी हाईली सोफिस्टिकेटेड वर्जन है। यह विश्व का सबसे बड़ा ऑनलाइन रोग निगरानी मंच है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मनोहर परिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नितिन ए गोखले। तो पुस्तक मनोहर परिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ हाल ही में जारी की गई। ब्लूम्सबरी द्वारा प्रकाशित इस पुस्तक के लेखक नितिन ए गोखले हैं, यहाँ तस्वीर में देख लीजिए। और एक क्विक रिविजन की बात करें तो जनवरी 2021 में गोवा के मुख्यमंत्री द्वारा मनोहर परिकर ऑफ द रिकॉर्ड नामक एक पुस्तक जारी की गई। किताब को वामन सुबा प्रभु ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में E9 देशों के शिक्षा मंत्रियों की परामर्श बैठक में भारत से किसने भाग लिया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, संजय धोत्रे। तो शिक्षा राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने E9 देशों के शिक्षा मंत्रियों की परामर्श बैठक यानी कंसल्टेशन मीटिंग में भाग लिया। इस पहल का प्रमुख उद्देश्य 2020 में हुई वैश्विक शिक्षा बैठक की तीन प्राथमिकताओं, सबसे पहले शिक्षकों को सहयोग यानी टीचर सपोर्ट, कौशल में निवेश यानी इन्वेस्टमेंट इन स्किल्स, डिजिटल विभाजन को कम करना यानी रिड्यूसिंग द डिजिटल डिवाइड में तेजी से बदलाव करके शिक्षा प्रणाली में बदलाव के माध्यम से सतत विकास लक्ष्य 4 एजेंडा को आगे बढ़ाना और सुधार में तेजी लाना है। यहाँ पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की बात करें तो E9 देशों का एक मंच है जिसका गठन यूनेस्को's एजुकेशन फॉर ऑल इनिशिएटिव के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किया गया था। यहाँ पर ई का मतलब है एजुकेशन और इन 9 कंट्रीज में शामिल हैं बांग्लादेश, ब्राजील, चाइना, मिस्र यानी इजिप्ट, इंडिया, इंडोनेशिया, मेक्सिको, नाइजीरिया और पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस मंत्रालय ने हाल ही में संकल्प से सिद्धि गांव और डिजिटल कनेक्ट ड्राइव लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जनजातीय मामलों का मंत्रालय। तो जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तहत ट्राइफेड द्वारा संकल्प से सिद्धि गांव और डिजिटल कनेक्ट ड्राइव शुरू किया गया। यह ड्राइव इस महीने के पहले दिन से शुरू हुआ। यह 100 दिनों तक जारी रहेगा। इस अभियान का उद्देश्य गांव में वन धन विकास केंद्रों को सक्रिय करना है। यह प्रत्येक क्षेत्र में 100 गांव और देश के 1500 गांवों को कवर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल आर्च भारत में किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, चिनाब। तो भारतीय रेलवे ने प्रतिष्ठित चिनाब ब्रिज के आर्च का काम पूरा कर लिया है। यह दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है जो नदी के तल के स्तर यानी रिवर फ्लोर लेवल से 359 मीटर ऊपर है। यह पेरिस फ्रांस की प्रतिष्ठित आइफेल टावर से 35 मीटर ऊंचा है, यहाँ तस्वीर में देख लीजिए। 1.3 किलोमीटर लंबे पुल का लक्ष्य कश्मीर घाटी से कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है। यह उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक परियोजना के हिस्से के रूप में 1489 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। बात करें यहाँ पर जम्मू और कश्मीर की, तो इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा, लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर है R.K. माथुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किसने मिसाइल हमले के खिलाफ नौसेना के जहाजों की सुरक्षा के लिए एक उन्नत चाफ टेक्नोलॉजी विकसित की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, DRDO। तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने हाल ही में मिसाइल हमलों के खिलाफ नौसेना के जहाजों की सुरक्षा के लिए एक उन्नत चाफ टेक्नोलॉजी विकसित की है। जोधपुर में स्थित DRDO प्रयोगशालाओं में से एक ने उन्नत चाफ प्रौद्योगिकी के 3 प्रकार विकसित किए हैं, यहाँ तस्वीर में देख लीजिए। इनमें शामिल है शॉर्ट रेंज चाफ रॉकेट, लॉन्ग रेंज चाफ रॉकेट और मीडियम रेंज चाफ रॉकेट। यह दुश्मन की मिसाइलों को डिफ्लेक्ट करने के लिए बहुत कम चाफ मटेरियल का उपयोग करती है। यहाँ पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की बात करें तो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड BDL द्वारा निर्मित आकाश मिसाइलों को भारतीय सेना के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल AP सिंह ने हरी झंडी दिखाई। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विक समरी की। PM कुसुम स्कीम के तहत पहला फार्म बेस्ड सोलर पावर प्लांट राजस्थान में स्थापित किया गया। अटल इनोवेशन मिशन के नए मिशन डायरेक्टर बने हैं डॉक्टर चिंतन वैष्णव। इंडिया की पहली फीमेल क्रिकेट कमेंटेटर चंद्रा नायडू का
हाल ही में निधन हो गया। फाम मिन चिन वियतनाम के नए प्रधानमंत्री बने हैं। इंडिया का बिगेस्ट ऑनलाइन डिजीज सर्विलेंस प्लेटफॉर्म इंडिया ने लॉन्च किया है। मनोहर परिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ बुक नितिन ए गोखले ने लिखी है। E9 कंट्रीज की कंसल्टेशन मीटिंग में संजय धोत्रे ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया। संकल्प से सिद्धि विलेज एंड डिजिटल कनेक्ट ड्राइव मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने शुरू किया है। वर्ल्ड का हाईएस्ट रेल ब्रिज आर्च चेनाब नदी पर बनाया गया और एडवांस चाफ टेक्नोलॉजी DRDO ने विकसित की है। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है, अटल इनोवेशन मिशन एम के नए मिशन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। और आपका दूसरा क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला क्रिकेट कमेंटेटर कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया। इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स और टेलीग्राम हैंडल्स को ज्वाइन जरूर करना है। थैंक यू सो मच।